तो हेलो दोस्तों, आज हमने ये क्यूवो का डेस्क पेन मंगवाया है, जो आपका स्मार्ट डेस्क पेन प्रो एक्स है, जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है, और इसकी कीमत है 3500 रुपये सिर्फ। तो इसको आज हम अपनी जो है एम जी एस्टर में इंस्टॉल करने वाले हैं। एम जी एस्टर में एक्चुअली एक इतना बढ़िया फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि इसके साथ जो ये लंबा वाला केबल आता है तो इसको आपको लगा के और इसको पीछे की तरफ से आपको घुमा के तब लगाने की जरूरत है। आप एक छोटा सा अपना एक ये केबल यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका छोटा केबल रहेगा और यहाँ पे ज्यादा भीड़ सी भी लगेगी, बहुत ही गंदा सा दिखता है वो, इतना केबल यहाँ पे लटका रहता है। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या आया हुआ है, अनबॉक्सिंग अभी कर लेते हैं इसकी। तो बेसिकली एक है आपका क्यूवो का डेस्क है, जो आपका प्रो मोड में है, और इसमें है आपका यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ होता है, लॉक का दिया हुआ होता है। तो इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने एम जी एस्टर में। तो सबसे पहले तो हम अपने कैमरे को निकाल लेते हैं, और इसमें क्या है, इसके साथ आपका एक चार्जर वगैरह भी दिया हुआ है, जिसकी हमें कोई एम जी एस्टर में नीड नहीं है, हम इसके बिना भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक है आपका डेटा केबल, जो हम सिंपली इसमें जो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस डेटा केबल को हम यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि एम जी एस्टर में जो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ये पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो सिंपली इसको आराम से हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। देखो आप, जो मेरा कैमरा है इसके अंदर जो है लाइट भी जल चुकी है, यानी ये अब जो है रेडी है यूज के लिए। तो इसको अब जो हमें सामने शीशे पे चिपकाना है वो अभी चिपका के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑन हो चुका है, और अगर इसकी बात कर लें मोबाइल की एप्लीकेशन में, तो इसकी क्यूवो की एक एप्लीकेशन है, आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में कर सकते हैं, iOS तो iOS में कर सकते हैं। तो मेरा कैमरा हो चुका है एप्लीकेशन से कनेक्ट, सामने देख सकते हो, मैं इसको घुमा भी रहा हूँ सामने, या सामने कैमरा जो है आई की स्क्रीन वगैरह भी सही से दिख रही है। इसको मैं अब फिट करने वाला हूँ यहाँ पे, इस जगह पे करना है, या फिर इसको यहीं पे मैं सेट कर देता हूँ। अभी ये एप्लीकेशन में दिया हुआ है ऊपर का व्यू, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करके देखता हूँ पोजीशन कहाँ की सही रहेगी। अभी ये पोजीशन आ रही है इसकी एप्लीकेशन में, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको बोनेट पे भी करना चाहते हो, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे तो आपका ये बोनेट पे सेट हो जाएगा, यानी आपका यहाँ से ये दिखता रहेगा। लाइव रिकॉर्डिंग के लिए जाना है तो ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड, जो आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग टू प्रोसीड, ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी को चला के भी देख लेते हैं कि कैसी इसकी क्वालिटी आएगी वीडियो की। सामने गाड़ी का जो नंबर है वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है।